नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर फेटर ट्रेड, जिसका आज तीनों पारी में जो पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों क्लास लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन वापस से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रही हो और पेपर हो कि पीडीएफ फाइल चाहिए, तो अभी डिस्कशन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से भी सर्च कर सकते हो। साथ ही दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, तब बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों उस टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी बच्चे जो आपस में डिस्कस करते हैं तथा एग्जाम देने के बाद में क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर वो आपस में मिलान करते हैं, तो उसके बाद में बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों आप भी अगर आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उस ग्रुप से जरूर जुड़िए। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, लगभग 40 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के हैं और आपके लगभग 20 क्वेश्चन वर्कशॉप क्वेश्चन के, तो पूरा पेपर एक साथ कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त खराब ना करें। और पहला क्वेश्चन है, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? तो दोस्तों जो डायग्राम में दिखाया गया है तो इसका क्या नाम है? दोस्तों इसके बोलते हैं हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसके लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं हम लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा? दोस्तों वो होती है आपकी वाइंडिंग फाइल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? दोस्तों यह विधि होती है आपकी पेक कार्बोरिंसिंग। अगला क्वेश्चन है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? दोस्तों वह है होती है आपकी पिच अक्स स्टार्ट की संख्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? दोस्तों वह विधि होती है आपकी मिट्टी तेल। अगला है, कुंजी का उद्देश्य क्या है? दोस्तों कुंजी का उद्देश्य होता है टॉर्क को संचालित करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और एलोहा धातुओं के लेपिंग के लिए किया जाता है? दोस्तों वो होती है आपकी फ्यूजल्ड एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? दोस्तों वो की जाती है आपकी कठोर और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस प्रकार का बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है? दोस्तों वो था आपका एगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सह कुशल है? दोस्तों वो थी आपकी टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो सामग्री होती है आपकी कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इस वाशर का नाम क्या है, यानी जो डायग्राम में दिखा है इस वाशर का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम है आंतरिक बाहरी वाशर। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों अक्ष से चिन्हित भाग का नाम है बॉल सेपरेटिंग गेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस बियरिंग की उष्मीय चालकता थर्मल यानी कंडक्टिविटी कम होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी लेमिनेटेड फेनोलिक्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 50 mm से 150 mm व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है चेन पाइप रिंच। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? दोस्तों वो बनाता है आपका टी ब्रांच। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड का विचलन का कोण कितना होता है? दोस्तों वो होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? दोस्तों वो साइज होती है पाइप के बोर के 1/2 टाइम्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इस जिग का नाम क्या है? तो दोस्तों इस जिग का नाम है टर्न ओवर जिग। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, पिक्चर में उपयोग किए जाने वाले पिस्टन में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य है कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है? दोस्तों एल्यूमिनियम धातु का रंग होता है व्हाइटिश ग्रे। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बेल्ट ड्राइव में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है जॉकी पुल्ली।
अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आज कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है? दोस्तों वो था आपका हेलिकल गियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस एस से सीसा धातु उत्पन्न होती है? दोस्तों वो होती है आपकी गैलेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? दोस्तों वो होता आपका पिच सर्कल। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों वो होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा को, हाइड्रोलिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कंप्रेसर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों इस भाग का नाम है प्रेशर गेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या होती है? दोस्तों वो होती है पास्कल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? दोस्तों वो था आपका पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोलिंग सिस्टम में कौन सा वाल्व और फिस या रेस्ट्रिक्टर है? तो दोस्तों वो था आपका फ्लो कंट्रोल वाल्व। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल वेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, गैर संरक्षण प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है? दोस्तों वो होता है 1:20। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? दोस्तों वो होता है आपका पोर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, दातेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों इसका मुख्य लाभ होता है शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्प्रट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसके लिए हम तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? दोस्तों इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम आपका रॉग बोल्ट या इसे रेंज बोल्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है? दोस्तों वो मशीन को मजबूत से पकड़ने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके WC यानी वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस का पेपर लेके आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और शेयर जरूर करो प्लीज़।